शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 9 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो बात अभी ICICI की है, तो ICICI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994, जिसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है, जिसके करंटली CEO है दोस्तों संदीप बख्शी जी। तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ही ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने ही हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया था गया था दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो दोस्तों हाल ही में ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के साइंटिस्टों के फैक्ट्री ने बनाया दोस्तों फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के साइंटिस्टों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है। तो दोस्तों यह फैक्ट्री रोबोट अपने सहकर्मी के दिमाग को 96% तक एक्यूरेसी से पढ़ सकता है। तो दोस्तों 96% तक एक्यूरेसी से पढ़ सकता है दोस्तों अपने सहकर्मी का दिमाग दोस्तों यह फैक्ट्री रोबोट। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के साइंटिस्ट ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और 5 अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास को शुरू किया। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में US, इंडिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, यह 6 देश शामिल हुए थे। और दोस्तों यह एक्सरसाइज गुआम में शुरू किया गया जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में स्थित है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में मुख्यतः एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाएंगी। और दोस्तों इसमें 270 घंटे से भी ज़्यादा इन फ्लाइट ट्रेनिंग किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों सिमुलेटेड टारगेट्स को ट्रैक करना भी इस एक्सरसाइज में शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत और अन्य 5 देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर सी ड्रैगन 2022 अभ्यास को शुरू किया है दोस्तों गुआम में, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, बेस्ट राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया। तो दोस्तों यह जल रक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने जाने वाला यह तीसरा एडिशन था दोस्तों, जो कि 2018 से शुरू हुआ, 2018 में दिया गया, 2019 में और 2021 में 2020 के जल संरक्षण प्रयासों में सर्वोत्कृष्ट राज्य के अवार्ड्स दिए गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, बेस्ट स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया। और दोस्तों दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो दोस्तों हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को धीरेन्द्र के झा जी ने लिखा है। तो दोस्तों हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को धीरेन्द्र के झा जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को शुरू किया। तो दोस्तों KVIC के करंट अध्यक्ष विनायक कुमार सक्सेना जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी KVIC की है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन की है, तो जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी। तो दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी ने ही उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आयशा अजीज जी पहली महिला जज के रूप में नियुक्त की गई। तो दोस्तों जस्टिस आयशा अजीज जी जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज दोस्तों नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आयशा अजीज जी को पहली महिला जज के रूप में नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों श्रीलंका के बैट्समैन क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने हैथम अलगिज जी को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में ओपेक ने हैथम अलगिज जी को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो बात अभी ओपेक की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने हैथम अलगिज जी को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है। तो दोस्तों फिलीपींस का
रिकॉर्ड है कि 6 लड़कियों में से 1 लड़की का बाल विवाह होता है। दोस्तों इसी को रोकने के लिए फिलीपींस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वीके भावराजी को पंजाब पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 1987 बैच के IPS अधिकारी वीके भावराजी को पंजाब पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण एडिशन का उद्घाटन जगदीश मुखी जी ने किया। तो दोस्तों असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण एडिशन का उद्घाटन किया है। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण एडिशन का उद्घाटन असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया। तो दोस्तों डेयरी उत्पादों में क्रांति लाने के लिए असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य के चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में रंजित बालकृष्णन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों केरल राज्य के चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में रंजित बालकृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य के चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में रंजित बालकृष्णन जी को नियुक्त किया गया। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 9 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। और दोस्तों हाल ही में चाइना देश के साइंटिस्टों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो 96% तक के एक्यूरेसी के साथ दिमाग पढ़ सकता है। दोस्तों और दोस्तों हाल ही में भारत और 5 अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को धीरेन्द्र के झा जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में देश की पहली मोबाइल यानी प्रोसेसिंग वैन को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आयशा अजीज जी पहली महिला जज के रूप में नियुक्त की गई। और दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में ओपेक ने हैथम अलगिजी को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में फिलीपींस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों हाल ही में वीके भावराजी को पंजाब पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण एडिशन का उद्घाटन असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी ने किया। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया। हाल ही में केरल राज्य के चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में रंजित बालकृष्णन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 9 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज। दोस्तों जय बोले।